समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं नीतीश जी, पहले अपने सुधर न जाएं। अपने सुधरे नहीं है, समाज को सुधारने चले हैं। तो बिहार की बदहाली पिछड़े पर क्लियर को जिम्मा है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। इनकी यात्रा 56 प्रकार के भोग का रसवादन के लिए यात्रा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या है यात्रा को लेकर, आइए आरजेडी के नेता से हम बात करते हैं। हमारे सर नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कहें? समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं नीतीश जी, पहले अपने सुधर न जाएं। अपने सुधरे नहीं है, समाज को सुधारने चले हैं। बिहार बदहाली के कगार पर है। बिहार अगर पिछड़ेपन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार के लिए अगर कोई जिम्मेदार, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। बिहार को चाहे विशेष अवसर कैसे मिलेगा, 40 सांसद उनके हैं, केंद्र में मंत्री वो हैं, उनकी पार्टी जदयू की उत्तर भारत सबसे मजबूत घटक दल है, नीति आयोग से बिहार को अवसर मांग रहे हैं। इनको अवसर किससे मांग रहे हो भाई, आप तो देने वालों में से हैं, तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? यही नीतीश कुमार जी हैं। जब विशेष राज के दर्जे की मांग हम लोगों ने रखा था, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में आंचल फैला करके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष, प्रधानमंत्री थे उस समय, यही नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार के अंदर में मानव संसाधन की प्रचुर भंडारण है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, कटोरा लेकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है, पंजाब हरियाणा कोई पीछे छोड़ देगा, जब बिहार के लोग बाहर जाकर उन्नत कर सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं उन्नत होगा। पैकेज मांगे थे तो केंद्र की योजना गिनाते थे, आज वही भाजपा केंद्र की योजना गिना रही है। रूढ़ी जी ने क्या कहा, क्या आपका क्या है रोड मैप, पलायन पर क्या है आपका कार्य योजना, रोजगार पर क्या है कार्य योजना, शिक्षा पर है क्या कार्य योजना, सभी मानकों में, नीति आयोग की मानकों में सबसे फिसड्डी राज्य के अंदर में है बिहार। ये राग अलापते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 15 साल तक कौन यहाँ है भाई सत्ता में? नीतीश कुमार जी हैं। तो बिहार की बदहाली पिछड़े पर के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। इससे पहले भी जो है वो 12 यात्रा कर चुके हैं नीतीश कुमार, ये 13वीं यात्रा होगी उनकी, और उनका कहना है कि जब जब यात्रा करते हैं तब बिहार में जो विकास का काम है और बढ़ जा रहा है, क्या? इनकी यात्रा 56 प्रकार के भोग का रसवादन के लिए यात्रा है। मन नहीं लग रहा है पटना में, ये विचरण कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। इनकी आभा ही मर चुकी है, कोई इनके बस में नहीं है। मंत्री आईना इनको दिखाता है, इनके मातहत काम करने वाले आरोप लगाते हैं, गिर्द गिर्द रहने वाले भ्रष्टाचारी है अधिकारी, सब महकमा को लेकर के सरकारी पैसे पर गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। सरकार के खजाना बिहार के आम जनता का खजाना है, बैठ करके काम करने के लिए था, गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं था। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिनका कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है यात्राओं के नाम पर सरकारी पैसे की बर्बादी करते हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ शक्ति, न्यूज़ 24 को पटना।